आज हम गिनतारा क्लास 5 का लेसन 1 स्थानीय मान और अंकित मान आपको पढ़ाएंगे। ये देखो आपकी किताब में पाठ है संख्याएं नंबर्स, इसमें दूसरे नंबर पे ये आ जाइए आप, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू व अंकित मान फेस वैल्यू। अब इसे समझें, आओ समझें। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, 5 करोड़ 23 लाख 45,685 संख्या दी गई है। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है? इसकी फेस वैल्यू जो है अंकित मान, वो करोड़ के स्थान पे भी 5 है, हज़ार के स्थान पे भी 5 है और इकाई के स्थान पर भी 5 ही है, लेकिन स्थानीय मान इसका बदल रहा है। यहाँ पे ये इकाई के स्थान पर था इसलिए 5 इकाई के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 5,000 के रूप में है इसीलिए इसका स्थानीय मान 5,000 के रूप में जाना जा रहा है। अब ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ पे 5 का स्थानीय मान करोड़ के रूप में है इसीलिए इसका स्थानीय मान यहाँ पर 5 करोड़ के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन अंकित मान जो हमारी फेस वैल्यू है, जो हमारा चेहरा दिखा रहा है, जो अंक को दिखा रहा है, वो 5 है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अंकित मान वही रहता है लेकिन जो स्थानीय मान है वो स्थान के हिसाब से, यहाँ 5 का स्थानीय मान अलग अलग स्थान पर अलग अलग है परंतु अंकित मान प्रत्येक स्थान पर 5 ही है। रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। संख्या हमारे पास है 5,67,89,356। इसमें हमें अंडरलाइन 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 की जो अंकित मान है वो वही रहेगा 8। अब इसका स्थानीय मान जानने के लिए इधर पढ़ेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 8 10,000 के स्थान पर है यानी कि 80,000 के स्थान पर हो गई, 8 10,000 के स्थान पे हो गया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 31,45,209 ये संख्या लिखी है। इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा गया है। पहले अंकित मान बताएंगे, 4 का अंकित मान 4 ही होगा जैसे कि हमारा चेहरा होता है, इसी तरह से ये भी हमारा वही जो रूप है वही अंकित मान में आएगा। अब लेकिन स्थानीय मान जानने के लिए इधर से पढ़ेंगे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 4 10,000 के स्थान पर है इसीलिए इसका स्थानीय मान 4 10,000 होगा। एक उदाहरण और देती हूँ इसी स्थानीय मान और अंकित मान को समझाने के लिए। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू होता है, अंकित मान फेस वैल्यू होता है। जैसे हमारी फेस वैल्यू हमेशा हम हमारी फेस के हिसाब से पहचान होती है, फेस हमारा वही रहता है, लेकिन जैसे क्लास आप क्लास 5 में है, क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, तो आपका स्थानीय मान और आपका जो स्थानीय स्थान है वो बदलता रहता है, इसी तरह से स्थानीय मान बदलता है और फेस वैल्यू आपकी वही की वही रहती है जैसे कि अंकों की होती है। अंकों की भी फेस वैल्यू वही रहेगी और प्लेस वैल्यू स्थान के हिसाब से बदल जाएगी, अलग हो जाएगी। इसे ही आप समझें, जैसे मैंने संख्या ली है 5,555। अब इसमें इकाई पे 5 है, ढाई पर 5 है, सैकड़ा पर भी 5 है, हज़ार पर भी 5 है। इसमें हमें 5 का स्थानीय मान बताना है तो हम 5 का स्थानीय मान बताएंगे 5,555, ढाई के स्थान पे 5, इकाई के स्थान पर। स्थानीय मान अलग अलग है परंतु अंकित मान हमारा 5 ही है क्योंकि जो उसकी फेस वैल्यू है वो वही रहेगी। गृह कार्य, रेखांकित अंकों के स्थानीय व अंकित मान बताओ। ये आपको बताने हैं। पहले मैंने संख्या लिखी है 48,356। इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा गया है, 3 का अंकित मान पूछा गया है, 3 का अंकित मान 3 ही होगा वो यहाँ लिख देंगे और स्थानीय मान सैकड़ा के स्थान पे है तो 300 यहाँ लिख देंगे। अब हमने दूसरी संख्या है 45,209, यहाँ 4 का स्थानीय मान और अंकित मान पूछा गया है तो 4 अंकित मान 4 ही रहेगा और स्थानीय मान 4 10,000 के स्थान पर है तो 4 10,000 लिख देंगे। 37,002, 7 का स्थानीय मान पूछा गया है, ये हजार के स्थान पर है और अंकित मान 7 ही रहेगा, यहाँ 7,000 लिखेंगे। इसी तरह से 21,021,
लिखा गया है। इसमें दो का स्थानीय मान पूछा गया है, तो दो दो जगह आया है, एक ढाई के स्थान पर और एक 10,000 के स्थान पर। अंकित मान एक ही रहेगा, इसका दो ढाई और दो 10,000 के स्थान पर, दोनों का स्थानीय मान अलग अलग। इसे आप प्रैक्टिस के लिए करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।